इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात और यहाँ पे अगर हम ऐड कर लें कि बेटा ये जो 1/r होता है ना, ये 1/r ये कांस्टेंट है, ये क्या बेटा कांस्टेंट है, और ये बराबर होता है जी के। जी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, के एक जो कंडक्टर है वो कितना करंट को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंडक्ट कर सकता है, ये कहलाता है कंडक्टेंस, कहलाता है बेटा कंडक्टेंस। तो ये कांस्टेंट होती है, अगर हम इसको ओम्स लॉ को अगर लिखना चाहें क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/r की जगह क्या लिख देंगे, जी इंटू वी, ये भी बड़ा स्टेटमेंट बन सकती है। समझ आ गई कि 1/r किसके बराबर है, कंडक्टेंस के बराबर होते, किसके बराबर होती है बेटा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते होते हैं। और तो ये बन जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू 1/r की जगह पुट कर दिया जी यानी कंडक्टेंस इंटू वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि भाई ये जो आर है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, यानी क्या चीजें चेंज करने से ये आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले कि नेचर ऑफ द मटेरियल, कि किस नेचर का मटेरियल है हमारे पास, इस पर डिपेंड करती है। बात समझ आ गई। दूसरी बेटा डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, कंडक्टर का एरिया क्या है, ठीक है, इन पर भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। और बेटा तीसरी जो बात है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, यानी कि टेम्परेचर एटीसी बेटा, ठीक है। तो इन तीन चीजों पर, फैक्टर्स पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, डायमेंशंस यानी लेंथ के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, एरिया के चेंज होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा चेंज हो जाती है। समझ आ गई। तो ये था रेजिस्टेंस के अबाउट। तो जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगी तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बेटा। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए, स्पेसिफिक डायमेंशंस के लिए, स्पेसिफिक फिजिकल स्टेट के लिए रेजिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा अब कुछ हमारे पास मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, कुछ होते हैं ओमिक डिवाइसेस, या कंडक्टर्स, और कुछ होते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस या कंडक्टर्स। बात समझ आ गई कि कुछ होते हैं ओमिक और कुछ होते हैं नॉन ओमिक, ठीक है। तो जो ओमिक होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं और स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं, strictly obey ohms law। समझ आ गए। और ये नॉन ओमिक जो होते हैं बेटा ये ohms law को obey नहीं करते, do not obey the ohms law। समझ आ गए बेटा, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। अच्छा ये जो पहले हम ओमिक डिवाइसेस को देखते हैं कि ये जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। समझ आ गई। और इस केस में
रेजिस्टेंस क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट। इस केस में रेजिस्टेंस क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट। कि रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। बात समझ आ गई कि रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस चेंज ना हो। तो अगर इसका अगर हम आईवी ग्राफ का मतलब है करंट वोल्टेज ग्राफ, क्या आएगा बेटा? शुड बी या ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम इसका आईवी ग्राफ ड्रॉ करें तो आईवी ग्राफ हमेशा क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन होगी, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। और इसके अगर एग्जांपल देखें हम, तो एग्जांपल बेटा मेटेलिक कनेक्टर्स, जितने भी मेटल हैं बेटा और कनेक्टर्स हैं, और जैसे कि बेटा कॉपर, उसके बाद बेटा सिल्वर, ईटीसी, ठीक है। अगर हम इसे ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ देखें, ठीक है, इधर हम अगर वाई एक्सिस पे आई ले लें और एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज ले लें, करंट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। करंट डिपेंडेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको लॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी को लॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं। करंट जो ले रहे हैं हम मिली एम्पेयर्स में ले रहे हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल, और वोल्टेज जो है वो वोल्ट्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बने कुछ इस तरह से, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, ये समझ आए। देखो लेट्स सपोज के हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था 2 वोल्ट और हमारे पास जो करंट था वो बेटा 40 मिली एम्पेयर था, कितना था? 40। कुछ टाइम के बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, वो हो गया बेटा 4 वोल्ट, करंट कितना हो गया? 60 मिली एम्पेयर। समझ आ गई? तो ये क्या होगा हमारे पास कि जितना वोल्टेज बढ़ाया है उसी रेशियो के साथ करंट भी क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। तो और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। आर शुड बी कांस्टेंट। आर क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट। समझ आ गई? तो जरा देखो कि अगर इस ग्राफ की हम स्लोप मालूम करना चाहें, क्या मालूम करना चाहें बेटा? स्लोप। तो स्लोप किसके बराबर होगी जरा देखिएगा, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब है किस में चेंज आएगा? करंट में। और एक्स में चेंज आने का मतलब वोल्टेज में चेंज आएगा। तो देखो अब यहां से देखो ये बेटा ये क्या है, वी आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, आर इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ क्या रिलेशन आ गया? आई ओवर वी। स्लोप मालूम की और रिजल्ट क्या आ गया? आई ओवर वी, यानी इसका उलट आ गया। समझ आ गई? तो अगर इसका उलट आ गया तो उसका मतलब है कि आई ऊपर हो और वी अगर नीचे हो तो ये इसके बराबर होगा 1/r के। इसके बराबर होगा बेटा 1/r के। ये बात समझ आई नहीं आई? यहां से देख लो 1/r ये है ना, अगर v इसके नीचे चला जाए इधर तो i ओवर v इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आ गया? i ओवर v इज इक्वल टू, बेटा बात समझ आ गई? पता चला कि अगर i v ग्राफ की अगर आप स्लोप मालूम करते हैं तो वो 1/r के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? और 1/r किसके बराबर है? g क्या है यहाँ पे? कंडक्टेंस इज इक्वल टू g, और ये क्या होगी बेटा? 1/r इज इक्वल टू g, ये होंगे कॉन्स्टेंट फॉर ओमिक डिवाइसेस। स्लोप मालूम करेंगे, स्लोप कांस्टेंट आएगी बेटा। क्या आएगी? कांस्टेंट। बात समझ आ गई? इसी तरह अगर हम नॉन ओमिक डिवाइसेस की अगर बात करें तो वो दो तरह की होती हैं बेटा,
जो के ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती। तो बेटा क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है। इधर हमने क्या कहा कि ओमिक लेटर्स के लिए रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। जबकि नॉन ओमिक के लिए पोटेंशियल के बढ़ाने से आपका करंट उतना ज्यादा नहीं इंक्रीज होता या बढ़ता नहीं है, तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। क्या होती है बेटा? रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो किस तरह से रेजिस्टेंस चेंज होगी? दो तरह से रेजिस्टेंस चेंज होगी कि आर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। आज जब करंट फ्लो करता है, आपको पता है करंट का हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, पढ़ा था ना हीटिंग इफेक्ट? तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब टेम्परेचर राइज होता है। उस टेम्परेचर के राइज होने से ये क्या हो जाती है? रेजिस्टेंस भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। और कभी कभी आर इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बेटा टेम्परेचर के, समझ आ गई? तो फिर इस तरह से भी हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है, ये बेटा इसकी जो एग्जांपल है वो है टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट अगर इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो क्या होगा? कुछ इस तरह से। तो इधर हम लेंगे करंट और इधर लेंगे वोल्टेज। तो बेटा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से, ठीक है बेटा? तो आगे ग्राफ जाना तो आगे की तरफ चाहिए था, इस तरह से, ठीक है? तो लेकिन ये अपना क्या कर देता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है। अब यहां तक तो इसका देखो ग्राफ ऐसा ही है। तो जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, करंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या रहेगी? लेकिन आगे देखो, वोल्टेज बढ़ाने से करंट ज्यादा नहीं बढ़ रहा बेटा, ठीक है? करंट उतना ही रह रहा है ऑलमोस्ट जितना पहले था बेटा, समझ आ गई? तो इसमें हमें पता क्या चल गया कि वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा है। कितनी चीजें? तीन ही चीजें हैं, एक दो तीन। तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा, तो फिर वोल्टेज का असर कहाँ जा रहा है? कि आपकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है जिसकी वजह से करंट को वो ज्यादा नहीं इंक्रीज होने दे रही बेटा, बात समझ आ गई? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रह रही है? चेंज हो जाती है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो रेजिस्टेंस चेंज कांस्टेंट नहीं रहती, रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, बात समझ आ गई बेटा? तो ये किसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया? टंगस्टन फिलामेंट के लिए। किसके लिए बेटा? टंगस्टन फिलामेंट के लिए। अगर हम ये वाला कंडीशन देखें तो वो बेटा होते हैं सेमी कंडक्टर डायोड। क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर डायोड, ये हम पढ़ेंगे बेटा आगे जाके ना। तो सेमी कंडक्टर डायोड जो होते हैं, इसका अगर आई भी ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है? तो एक खास हद तक आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन इस वोल्टेज से आगे थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट रैपिडली इंक्रीज हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? इस केस में तो आपकी रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रही है बेटा? कम। क्या हो रही है? कम। क्योंकि वोल्टेज के थोड़े से वोल्टेज बढ़ाने से करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया बेटा, समझ आ गई? तो रेजिस्टेंस क्या हो गई है? कम। तो अगर इनकी अगर हम स्लोप मालूम करें, स्लोप इज इक्वल टू 1/r के इक्वल आएगी, विच इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। वो क्या हो रही है बेटा? चेंज हो जाती है, समझ आ गई? अच्छा अब देखो कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्यों चेंज हो जाती है, ये हम अभी डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम 18 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसमें जरा देखो बेटा टंगस्टन फिलामेंट वाले केस में कि जो ये हमारे पास कुछ एक टाइम तक तो कांस्टेंट रहती है, उसके बाद क्या हो जाती है बेटा? रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो बेटा जरा देखो, जैसे करंट वैल्यू इंक्रीज होती है बल्ब में लगे होते टंगस्टन फिलामेंट,
बल्ब का टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर के राइज होने से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है या एटम है ऑफ द टंगस्टन, वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पहले इजीली फ्लो कर रहे थे, अब उनके दरमियान में हिंड्रेंस आ जाती है, एटम उनके दरमियान में ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है और वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ वाइब्रेट करते हैं। तो बेटा ज़्यादा चांसेस हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए किसी एटम के साथ टकराएगा बेटा, समझ आ गई। ये टकराव जो है यही रेजिस्टेंस है बेटा, बात समझ आई। तो यानी कि टेम्परेचर के राइज करने से कंडक्टर की क्या हो गई है, रेजिस्टेंस राइज हो जाती है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये जो आपका जो ये दो डिवाइसेस हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि रेजिस्टेंस शुड बी कॉन्स्टेंट। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, वो चेंज ना हो बेटा, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे इस केस में देखें रेजिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और इन केसेस में बेटा रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, तो देखो बेटा इसमें कितनी चीजें आती हैं, वी आई आर, कितनी चीजें आती हैं वी आई आर, ठीक है। ये इफेक्ट, ये कॉज है, ये इफेक्ट है, और ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम देखें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या होता है बेटा, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें कितनी चीजें हैं, तीन। ये क्या है बेटा, काज है, इस फोर्स की वजह से बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन उसका इफेक्ट है, और दरमियान वाली चीज मैथ जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, बात समझ आ गई। तो पता क्या चला कि ये जो ओम्स लॉ है ये एनालॉगस है किसका, न्यूटन सेकंड लॉ का, बात समझ आ गई। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओम्स लॉ है ये किस लॉ के साथ कोरिस्पोंड करता है, तो आप कह सकते हैं ये न्यूटन सेकंड लॉ के साथ कोरिस्पोंड करता है, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।